हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे आता है बहुत अच्छे हो, अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। अगर कोई मित्र जो है नए हैं, देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे जो है इनिशियल बूस्टअप की ज़रूरत है। और मैं जो है आपको इतना बेहतरीन जो है बिल्डिंग मटेरियल, जो कि आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन बनेंगे, और इसके बाद से कंक्रीट टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स, सर्वेइंग, और हो सकता है तो रेलवे इंजीनियरिंग और इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे जो है सब्जेक्ट मैं आपको जो है कराऊंगा एकदम अच्छे तरीके से, जो कि जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे बने, ठीक है। और ये सब होने के बाद ऑब्जेक्टिव भी सारे के सारे जो है मैं कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। कोशिश क्या कराएंगे ही, पहले सब्जेक्ट कवर करेंगे, फिर जो है ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो अगर कोई नए है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि जो है आप चैनल की सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इनिशियल बूस्टअप की ज़रूरत है थोड़ा सा। तो मैं आपका जो है बहुत बहुत आभारी रहूँगा। और हम जो है चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो हमारा जो पिछला टॉपिक था, हमने जो है पिछले टॉपिक में एट्रिजन टेस्ट और इसके बाद से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ये दो टेस्ट जो है हमने पिछले वीडियो में हमने कवर कर दिए, ठीक है। तो एक बार दोबारा से जो है देख लेते हैं। हमने जो है शुरू करा था यहाँ से एट्रिजन टेस्ट, पांचवा टेस्ट था हमारा। इसके द्वारा हार्डनेस और टफनेस ज्ञात करते हैं और रेट ऑफ वियरिंग रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं, ठीक बात। और हमने ये देखा था कि जब हम एट्रिजन टेस्ट करते हैं, ये ध्यान में रखना बात, जब हम एट्रिजन टेस्ट करते हैं तो हमें एब्रेशन टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो अगर ऑप्शन में दे रखा है कि पूछेगा कि जो है वियरिंग रेजिस्टेंस जो है किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, तो अगर उसमें एट्रिजन टेस्ट रहेगा तो आप जो है एट्रिजन टेस्ट को ही सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। अगर इस पर मुझे कोई क्वेश्चन मिलेगा, अभी तो मुझे टाइम नहीं है, जब क्वेश्चन कराएंगे तो उस टाइम जो है सारे कुछ देख लेंगे। तो पहले मैं जो है आपका सब्जेक्ट कवर कराता हूँ, फिर जो है देखेंगे। तो ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं वो आपको जो है बताते जा रहा हूँ, आप जो है बस उसको याद करते जाइएगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो हमने ये दो मेन पॉइंट थे इसके हमने ये देखे थे। फिर हम ये जो टेस्ट है, एटीजन जो टेस्ट है, वो हम डेवल टेस्टिंग मशीन के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? डेवल टेस्टिंग मशीन। तो डेवल टेस्टिंग मशीन के द्वारा हम जो है एटीजन टेस्ट करते हैं, ये भी हमने देखा था। और फिर नीचे आते हैं हम, जो है देखे थे हमने फ्रिक्शन कोफिशियंट के आधार पे स्टोन कैसी है हमारी। फिर क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट हमने देखा था, ये हम जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए हम करते हैं। और ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन के द्वारा जो है हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं, है ना। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम ज्ञात करते हैं, तो हमारा जो क्यूब का साइज रहता है वो 50x50 सेंटीमीटर का रहता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये, तो इसको जो है भूलना नहीं है। ये ऊपर वाले दोनों भूल जाएंगे तो चलेगा, लेकिन भूलेंगे नहीं, क्योंकि क्रशिंग दिया है तो कंप्रेसिव भी आपको याद होगा, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। और हमारा और एक और मेन पॉइंट, ये जो 1000 kg/cm², देख भाई, 1000 kg/cm² जो है, जो हमारी जो गुड बिल्डिंग है उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए, या 100 N/mm². तो यार पिछले वीडियो में यही हो रहा था कि W/mg होता है ना, और हमें ये W क्या होता है, न्यूटन में होता है, तो हमें यही निकालना था। तो मैं वहाँ पे क्या कर रहा था, तो देखो हमें स्ट्रेस है, ये तो ये 1000 में 10 का गुणा कर लेंगे जी से, एम में जी से गुणा कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूटन, ठीक है, भार हो जाएगा। भार क्या हो जाएगा, न्यूटन में। तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, ये न्यूटन में हो गया, है ना, ये न्यूटन में हो गया, 10 से हमने गुणा कर दिए, 10 क्या है,
जी है, और जी का एक्चुअल वैल्यू क्या होता है 9.8, और हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं 10, ठीक है। और ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 10 mm, ठीक है। तो यहाँ पे 10 mm सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे 10 mm रख दे रहे हैं, और इसका स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा 100 mm स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 100 mm स्क्वायर, तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 100 न्यूटन, और नीचे mm स्क्वायर है तो mm स्क्वायर, तो ये आ गया, है ना। तो ये ऐसा करना था, तो हमारा जो अगला टेस्ट है वो है साउंडनेस टेस्ट, तो लास्ट टेस्ट है हमारा SOUND, साउंड एंड डब्ल्यू साउंडनेस टेस्ट, इसको कहते हैं हिंदी में निर्दोषिता, ऐसे तो नहीं होगा, निर्दो ऐसे होता है सर, निर्दोषिता परीक्षण, निर्दोषिता का ये देख लेना मैंने सही दिखाई दे रही, ठीक। तो साउंडनेस का मतलब होता है निर्दोषिता परीक्षण। अब निर्दोषिता से यही दिख रहा है कि हमारी जो स्टोन है वो निर्दोष है कि नहीं है, क्या उसमें कोई दोष है। तो अगर हमारी जो स्टोन है, अगर हमारा जो स्टोन है स्टोन, तो अगर वो निर्दोष रहेगा, अगर वो निर्दोष रहेगा, हाँ ये सही है, ठीक है, ये वाला सही है। तो अगर स्टोन हमारा निर्दोष रहेगा, उसमें कोई भी दोष नहीं रहेगा, तो क्या, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या रहेगा, टिकाऊ रहेगा, ठीक है ना, टिकाऊ। अगर उसमें कोई दोष है ही नहीं है भैया, तो वो ज्यादा दिन तक चलेगा, तो जब ज्यादा दिन तक वो चलेगा तो क्या रहेगा, टिकाऊ रहेगा। अगर वो निर्दोष नहीं है, उसमें कोई दोष है, ठीक है ना, तो अगर स्टोन में कोई क्या है दोष है, तो क्या है वो टिकाऊ नहीं है, टिकाऊ नहीं है, यानी कि उसमें क्या है कोई दोष है, ठीक है। तो ये निर्दोषिता और ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊ को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ड्यूरेबिलिटी, DURABILITY। तो निर्दोषिता और टिकाऊपन जो है तो एक दूसरे से क्या है रिलेटेड है, तो अगर कोई दोष नहीं रहेगा तो टिकाऊ रहेगा, अगर दोष रहेगा तो वो टिकाऊ नहीं रहेगा, यानी कि ड्यूरेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो साउंडनेस टेस्ट द्वारा, निर्दोषिता द्वारा जो है हम क्या ज्ञात करते हैं, तो हमें यही पता चलता है कि अगर वो निर्दोष है तो ड्यूरेबल है, अगर ड्यूरेबल है तो निर्दोष है। तो इसके द्वारा हम जो है स्टोन की ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करते हैं, टिकाऊपन ज्ञात करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर वो निर्दोष रहेगा तो टिकाऊ रहेगा, यानी कि उसमें अगर स्टोन में कोई दोष नहीं रहेगा तो वो टिकाऊ रहेगा। तो निर्दोषिता परीक्षण द्वारा, साउंडनेस टेस्ट द्वारा स्टोन की जो है ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। स्टोन स्टोन मैग्नेट, इस टेस्ट द्वारा, इस टेस्ट द्वारा स्टोन की DURABILITY, इस टेस्ट द्वारा स्टोन की ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो साउंडनेस टेस्ट द्वारा जो है हम ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करते हैं। अब ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करने के लिए हम जो है कितने टेस्ट करते हैं, तो
तो हमने जो है शुरुआत में ही लिखाए थे, तो यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं। DURA, देखो मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ, आप लोग उस पे जाना, DURADILITY। वैसे मैं सही लिखता हूँ, लेकिन अगर आपको कोई समझ में नहीं आएगा तो मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी, निम्न, निम्न का मतलब है नीचे, तो अभी नीचे लिखेंगे ड्यूरेबिलिटी निम्न टेस्ट द्वारा ज्ञात करते हैं। हम निम्न टेस्ट के द्वारा ज्ञात करते हैं, तो कौन कौन से टेस्ट हैं, ए बी सी और डी। तो पहला है स्मिथ टेस्ट, SMITH, स्मिथ टेस्ट। फिर दूसरा क्या है, BRARD, ब्रैड्स टेस्ट। और तीसरा क्या है, एसिड टेस्ट, ACID, एसिड टेस्ट। और चौथा क्या है, क्रिस्टलाइजेशन, CRYSTALL, ISATION, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। तो हम ये चार टेस्ट के द्वारा जो है स्टोन की ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करते हैं, समझ रहे हो आप, स्मिथ टेस्ट, ब्रैड टेस्ट, एसिड टेस्ट और क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। तो इसमें क्या करते हैं, स्मिथ टेस्ट में टर्बिडिटी ज्ञात करते हैं, TURBIDITY, टर्बिडिटी इसमें ज्ञात करते हैं। और ब्रेड टेस्ट के द्वारा फ्रस्ट रेजिस्टेंस, SPANC, फ्रस्ट रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। और एसिडिक टेस्ट के द्वारा जो है वेदरिंग रेजिस्टेंस, वेदरिंग रेजिस्टेंस। और क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट के द्वारा जो है हमें ये पता चलता है कि जो स्टोन है वो क्रिस्टल के रूप में है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको हम पढ़ते हैं, बस छोटा छोटा है, दो दो चार चार लाइन का। तो देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज की जो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि साउंडनेस टेस्ट द्वारा जो है क्या ज्ञात करते हैं, तो स्टोन की ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब इसके पास एक क्वेश्चन ये आएगा कि ड्यूरेबिलिटी जो है हम ये हमने लिखा है कि निम्न के द्वारा ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो पूछेगा कि जो है स्मिथ टेस्ट द्वारा किसके आधार पर जो है स्टोन की ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करते हैं, तो टर्बिडिटी के आधार पे, ठीक है। इसी तरीके से ब्रैड टेस्ट द्वारा जो है स्टोन की ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करते हैं किसके आधार पे, तो फ्रस्ट रेजिस्टेंस के आधार पे। एसिड टेस्ट द्वारा ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करते हैं किसके आधार पे, वेदरिंग रेजिस्टेंस के आधार पे। तो ऐसे जो है क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये स्मिथ टेस्ट को भाई हल्के में मत लेना, स्मिथ टेस्ट को याद रखना, चाहे भले ही कोई भूल जाओ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, SMITH, स्मिथ टेस्ट, TEST टेस्ट, WE, सही हो गया। तो चलो हमारा जो पहला हेडिंग है स्मिथ टेस्ट, पहली हेडिंग SMITH, स्मिथ टेस्ट। तो अब देखो स्मिथ टेस्ट में क्या करते हैं, तो इसमें जो है टर्बिडिटी के आधार पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो स्मिथ टेस्ट है इसमें हम क्या ज्ञात करते हैं, तो लिख लेते हैं पहले, तब मैं एक्सप्लेन करता हूं। इस टेस्ट द्वारा स्टोन में SO
SOLUBLE, सोल्यूबल साल्ट, सोल्यूबल SALT, साल्ट, और ब्रैकेट में लिख लो मैटर, मैटर यानी कि द्रव्य। और जब द्रव्य कह रहे हैं तो वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों आ जाएंगे, ठीक है ना। सोल्यूबल साल्ट की या कोई भी मैटर है, मैटर की मात्रा ज्ञात करते हैं। आई बात समझ में? तो स्मिथ टेस्ट द्वारा हम क्या करते हैं, तो स्मिथ टेस्ट द्वारा जो है हम सोल्यूबल साल्ट की मात्रा ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद से इस टेस्ट द्वारा एक एक और लाइन यहाँ पे लिखेंगे, और इसके बाद मैं आपको अच्छे से तरीके से बताता हूँ। इस टेस्ट द्वारा, इस टेस्ट द्वारा TURBIDITY, टर्बिडिटी के आधार पर STONE, स्टोन की DURABILITY ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये दो लाइनें हैं, पहले इनको हम आगे समझ लेते हैं, फिर इसका जो टेस्ट है वो कैसे करते हैं वो हम बताते हैं, ठीक है। तो देखो, इस पहली लाइन क्या लिखी है हमने कि इस टेस्ट द्वारा जो है स्टोन में सोल्यूबल साल्ट की मात्रा ज्ञात करते हैं, सोल्यूबल। तो देखो, सोल्यूबल क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये कोई बीकर हो गया, तो हम जो है अगर इसमें स्टोन के सैंपल को रख देंगे, ठीक है ना, इसमें मान लो वाटर है, यहाँ तक तो यहाँ पर रख देंगे, तो अगर स्टोन में कोई अगर सोलूबल साल्ट रहेगा या कोई सोलूबल घुलने वाली मैटर रहेगी, तो वो इस वाटर में क्या होगी, घुल जाएगी, है कि नहीं, समझ रहे हो बात को। तो इस वाटर में क्या होगी कि घुल जाएगी, ठीक है। अब ये जब घुल गई है तो अब बताओ ये जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, ये वाटर क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। अगर वो सोल्यूबल है, अगर वो घुल गई है तो क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। और इस गंदा को टेक्निकल टर्म में कहते हैं गदलापन, गदला गदलापन, आपने शब्द पढ़ा होगा गदलापन, गंदा हो गया है तो इसे कहते हैं गदलापन, गदलापन, और इसी को हम कहते हैं गंदा, केवल दो शब्द लेते हैं गंदा। और इसी गदलापन को इंग्लिश में नाम देते हैं टर्बिडिटी, TURBIDITY, इसी को नाम देते हैं टर्बिडिटी, ठीक है ना। तो इसमें ये है, तो जब वो सलूबल हो गया, घुल गया, तो ये पानी में घुल जाएगा, तो हमारा जो वाटर है वो गंदा हो जाएगा, ठीक है। अब जब गंदा हो जाएगा तो हम जो है स्मिथ टेस्ट में यही देखेंगे कि अगर अगर इसमें से ये स्टोन में से सोल्यूबल साल्ट घुल करके, सोल्यूबल साल्ट जो है मतलब घुल करके सोल्यूब हो करके, जितना ज्यादा अगर कम गंदा ये जो है वाटर कम गंदा हो रहा है, इसकी टर्बिडिटी कम है, तो स्टोन की ड्यूरेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, यानी कि वो ज्यादा खराब नहीं है, टिकाऊ ज्यादा है। अगर क्या हुआ कि ये ज्यादा गंदा हो गया, ज्यादा गंदा हो गया मतलब इसमें से जो सोल्यूबल साल्ट थे वो ज्यादा मात्रा में घुल गए, यानी कि वो गदलापन ज्यादा कर रहा है, यानी कि वो ड्यूरेबल नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ जो है दिक्कत है, समझ रहे हो बात को। तो ये सोल्यूबिलिटी और ये टर्बिडिटी दो है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये जो पहली दोनों लाइनें हैं इन दोनों को जो है ध्यान में रखना कि स्मिथ टेस्ट द्वारा जो है स्टोन में सोल्यूबल साल्ट की मात्रा ज्ञात करते हैं,
इसमें इस टेस्ट में हम ये करते हैं, अब जब सोल्यूबल साल्ट है जितना ज्यादा सोल्यूबल मतलब वो घुलेगा उतना ज्यादा गंदा होगा, ठीक है, तो उतना ज्यादा टर्बिडिटी होगी। तो इस टेस्ट द्वारा जो है टर्बिडिटी के आधार पर जो है स्टोन की ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो कम घुलेगा यानी कि वो अच्छा है, यानी कि वो टिकाऊ है ज्यादा, अगर वो ज्यादा घुल रहा है यानी कि पानी गंदा ज्यादा हो रहा है यानी कि उसमें से सोल्यूबल साल्ट ज्यादा घुल रहे हैं और ज्यादा घुल रहे हैं तो वो टिकाऊ कम है। तो इसमें टर्बिडिटी के आधार पर, इसमें टेस्ट के द्वारा क्या टर्बिडिटी के आधार पर ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करते हैं। तो ये दोनों जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान में रखना। अब प्रोसेस क्या है, PROCESS, प्रोसेस क्या है या इसी को प्रोसीजर भी कह सकते हो। तो हम करते क्या है, हम जो है एक ग्लास लेते हैं, ठीक है, इस ग्लास को जो है हम लोग तीन हिस्से में बांट देते हैं, ठीक बात, और इसे जो है वाटर से भर देते हैं, और इसमें क्या करते हैं कि एक क्वाइन लेते हैं, क्वाइन मतलब होता है सिक्का, तो सिक्का समझ रहे हो ना, तो सिक्के के जैसा जो है हम एक स्टोन का सैंपल लेते हैं और इस सिक्के को, इस क्वाइन को इस वाटर में डाल देते हैं, ठीक है। वाटर में डाल देंगे तो अगर इस स्टोन में सोल्यूबल साल्ट यानी कि घुलने वाले पदार्थ मैटर ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा घुल जाएंगे, तो ज़्यादा जब इसमें घुल जाएंगे, अब आप जो है प्रैक्टिकली जो है समझो, एक गिलास लो कांच का, उसमें 1/3 वाटर भरो और उसमें जो हमारा मान के चलो जो 2 की सिक्का है या हाँ जो 2 का सिक्का है बड़ा वाला 1 का सिक्का है उसके साइज का स्टोन का टुकड़ा लो और उसे जो है वाटर में डाल दो। तो अब इतने से वाटर में अगर सोल्यूबल साल्ट की मात्रा ज्यादा रहेगी तो वो घुल जाएगा, तो पानी क्या होगा ज्यादा गंदा हो जाएगा, यानी कि इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, मतलब कम क्या हो जाएगी, मैटर ज्यादा घुल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बारिश होगा या और कहीं भी पानी के संपर्क में आएगा तो उसमें घोलने की ज्यादा क्षमता है, तो वो धीरे 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 क्या हो जाएगा उसका विघटन हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा और स्टोन जो है नष्ट हो जाएगी यानी कम टिकाऊ है, समझ रहे हो। तो अगर सोलुबल साल्ट जो है कम घोल रहे हैं तो यानी कि उसकी जो है टर्बिडिटी कम होगी, गंदा ज्यादा कम होगा, गंदा क्या होगा कम होगा, टर्बिड कम होगा यानी कि ड्यूरेबल ज्यादा है। तो बस यही है इसमें। तो यहाँ पे एक क्वाइन हो गया, क्या है क्वाइन, तो लिखते हैं 1/3 1/3 वाटर से भरे ग्लास में वाइन के साइज के बराबर स्टोन डाल देते हैं, ठीक बात। अब डालने के बाद क्या करते हैं, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद जो है पानी यानी कि वाटर की TURBIDITY टर्बिडिटी, और इसको कहते हैं गंदलापन, गदला गदला पन टर्बिडिटी के आधार पर स्टोन के DURABILITY ड्यूरेबिलिटी
कर देते हैं। तो इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यही है कि टर्मिडिटी के आधार पर जो है, हाँ, टर्मिडिटी के आधार पर भी जो है ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करते हैं, समझ रहे हो ना। अब हम आते हैं हमारा जो अगला टेस्ट था, ब्रैड टेस्ट, BRARD, ब्रैड टेस्ट। और ये किस लिए करते हैं? रस्ट रेजिस्टेंस के लिए, फॉर रस्ट रेजिस्टेंस, RASISTANCE। अब देखो, कई लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि फ्रस्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है ना। तो फ्रस्ट का मतलब होता है हिंदी में तुषार या तुषार। अब तुषार किसे कहते हैं? जब जाड़े के दिनों में जब शायद बर्फ पड़ने लगती है, तो उसी को शायद बोला जाता है कि तुषार पड़ रहा है ना। तो वही वाली स्थिति होती है फ्रस्ट रेजिस्टेंस, या हाँ वही वाली स्थिति होती है, या ऐसा होता है कि जो मतलब कि जो पानी होते हैं वो सब जो है वो पूरे बर्फ के रूप में जम जाते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसी स्थिति, तो जो हमारा स्टोन है वो फ्रस्ट रेजिस्टेंस है कि नहीं, यानी कि अगर कुछ वैसी स्थिति आ रही है तो उसका प्रतिरोध करेगा कि नहीं वो, तो ये चीजें हम जो है चेक करते हैं। तो ब्रेड टेस्ट जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए करते हैं, और सिंपल सा इसका प्रोसेस है, समझ लेते हैं बस, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। देखो, हमारे पास क्या होता है कि एक स्टोन सैंपल होता है, ठीक है, और स्टोन सैंपल को जो है बॉइल्ड सोडियम सल्फेट के घोल में क्या करते हैं कि कुछ समय के लिए डुबा के रख देते हैं, ठीक बात। अब जो है क्या करते हैं कि उसे बाहर निकाल के सुखा लेते हैं, और सुखा करके देखते हैं कि उसके वेट में कितनी जो है कमी हुई है, ठीक है, और उस कमी को नोट कर लेते हैं, और उसके हिसाब से जो है हम जो है स्टोन की ड्यूरेबिलिटी जो है ज्ञात करते हैं, समझ रहे हो। तो सिंपल है, बस ये याद रखना फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए करते हैं, और बाकी कुछ नहीं याद रखना है। स्टोन के सैंपल को BOILED, SODIUM सोडियम सल्फेट, SELTH, सोडियम सल्फेट के घोल में कुछ समय के लिए डुबा देते हैं, ठीक है। हमने सोडियम सल्फेट में डुबा दिया है हमने स्टोन सैंपल को, अब क्या करते हैं उसे निकाल कर सुखा कर उसके वेट में होने वाली कमी नोट कर लेते हैं, ठीक है। हम फिर उसे निकाल करके उसके वेट में जो है कमी जो है नोट कर लेते हैं। अब जो है इसके आधार पर क्या करते हैं कि स्टोन की ड्यूरेबिलिटी पता करते हैं। इसके आधार
पर स्टोन T-R-A-B-L-I-T बता करते हैं। तो इसके आधार पे हम लोग स्टोन की ड्यूरेबिलिटी जो है पता कर लेते हैं। बस सिंपल से यही प्रोसेस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए करते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात ही याद रखना है। फिर इसके बाद से आते हैं हम लोग एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट जो है किसके लिए करते हैं, तो ये वेदरिंग रेजिस्टेंस के लिए करते हैं। फॉर WEATHERING, वेदरिंग का मतलब होता है मौसम, वेदर का मतलब क्या होता है, मौसम है ना, और क्या होता है, जो भी होता है वेदर का मतलब समझ लेना, वही है वेदरिंग रेजिस्टेंस, RESISTENCE, वेदरिंग रेजिस्टेंस। तो एसिड टेस्ट जो है हम वेदरिंग रेजिस्टेंस के लिए करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है एक सैंपल लेते हैं, उस सैंपल को 1% हम जो है सैंपल लेते हैं एक, और इस सैंपल को 1%, देखो हमने एक सैंपल लिया, इस सैंपल को 1% सांद्रता वाले HCl में डाल दिया, ठीक है। अब इस सैंपल को जो है निकाल करके 7 दिन बाद, ठीक है, और बाहर निकाल के, और हम इसको जो है देखते हैं ध्यान से कि इसके जो किनारे थे, इसके जो कॉर्नर थे, वो जो है कहीं डिसइंटीग्रेट तो नहीं हो गया, उनका कहीं छरड़ तो नहीं हो गया। तो अगर उसके जो कॉर्नर अगर तीखे हैं, मतलब शार्प हैं, तो जो हमारा स्टोन है वो HCl के इफेक्ट में जो है प्रभावित नहीं हुआ है, समझ रहे हो, तो हमारा स्टोन क्या है, अच्छा है, यानी कि वो ड्यूरेबल है। अगर उसके कॉर्नर जो है प्रभावित हो गए हैं, तीखे नहीं है, मतलब एकदम शार्प एज नहीं है, ऐसे एकदम नहीं है, शार्प एज नहीं है उनका, तो ऐसे समझ में आएगा कि वो जो है HCl के इफेक्ट में जो है प्रभावित हो गए हैं, तो हमारा जो स्टोन रहेगा वो प्रभावित हो रहा है भाई, तो वो क्या है, ड्यूरेबल नहीं है, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं इसमें, तो सिंपल लिख लेते हैं क्या है ये। तो पहले 100 ग्राम ओवन ड्राई सैंपल लेते हैं, फिर क्या करते हैं, सैंपल को 1% सांद्रता, सांद्रता को कहते हैं कंसंट्रेशन, CONCENT, TRATI, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन क्या होता है यार, कंसंट्रेशन ये होता है कि जैसे आपने मान के चलो कि 1 लीटर में, मान लो 1 लीटर आपने वाटर लिया है ना, तो अब 1 लीटर वाटर में मान लो आप जो है चीनी, चीनी के जो है आप जो है 100 100 पार्टिकल जो है डाल दिए हो, तो कंसंट्रेशन क्या होगा इसका, 100 होगा, समझ रहे हो। इसको अगर हम पर लीटर में डिफाइन करेंगे तो 1 लीटर में चीनी के कितने पार्टिकल, तो 100 पार्टिकल हैं, तो यही क्या हो गया, इसका कंसंट्रेशन हो गया। तो अगर मान लो कि हमारा जो है 5 लीटर वाटर है और इसमें हमने डाल दिए कि 10,000, 5 लीटर वाटर में 10,000 चीनी के पार्टिकल डाल दिए, तो हमारा कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 10,000 10,000 का भार और अपान में 5 लीटर बोल रहे, यही क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन, यानी कि उसमें उपस्थित टोटल जो सॉल्वेंट है उसका भार और टोटल वॉल्यूम का अनुपात होता है। एक बार इसे आप लोग देख लेना, नहीं देखोगे तो मैंने बता दिया है, इतने से काम ये चल रहे हैं। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन भी कई प्रकार के होते हैं। तो सैंपल जो होता है उसके 1% जो है कंसंट्रेशन के, 1% कंसंट्रेशन के
HCl ना के घोल, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल घोल में 7 डेज के लिए रख देते हैं, 7 दिन के लिए रख देते हैं, फिर क्या करते हैं उसे बाहर निकालकर, उसे बाहर निकालकर उसका दृष्टि, ये ट है ठीक है, ये ट है, दृष्टि परीक्षण करते हैं। अब हमने बाहर निकाल लिया है, फिर उसका हम जो है दृष्टि परीक्षण करेंगे। अब ध्यान से देखते हैं ठीक है, यदि यदि सैंपल के किनारे यानी कि उसके एज और कोने, किनारे तथा कोने, देखो किनारे और कोने में अंतर क्या है, ये क्या हो गया सैंपल, ये कोई सैंपल हो गया ठीक है ना, तो ये वाला जो इसका पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है इसका, ये पॉइंट है, ये वाला, ये क्या है, ये कॉर्नर है, कोना है, और ये जो क्या है, ये वाले सब, ये वाले, ये इसके किनारे हैं, इसको हम एज कहते हैं, ये सब, ये तो ये क्या है एज, EDGE, और ये क्या है कॉर्नर, CORNER, ठीक है, तो इसे आप बना लेना और मैं मिटा दे रहा हूँ। इसके किनारे तथा तो कोने कुछ किनारे तथा तो कोने कुछ टूट गए हो तो, किनारे तक कोने टूट गए हो तो उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी DURABILITY, उसकी ड्यूरेबिलिटी कम अच्छी होगी, कम अच्छी होगी तथा चूने की उपस्थिति को PRESENT, उपस्थिति को रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित, प्रदर्शित प्रदर्शित करता है, तो अगर यार उसके जो कोने हैं या किनारे हैं अगर वो टूट गए हैं, अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो टूट गए हैं, तो वो क्या है कि अब वो टूट रहा है एसिड के इफेक्ट में, यानी कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं रुकेगा, यानी कि वो ड्यूरेबल कम है, और ये जो उसके किनारे और कोने टूटने का कारण क्या है, तो उसमें क्या है कि अगर वो एसिड से HCl से प्रभावित हो रहा है, तो हमें ये आइडिया लग रहा है कि जो हमारा सैंपल है उसमें क्या है चूने उपस्थित है, समझ रहे हो, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूना को कहते हैं CaCO3, तो ये एसिड के इफेक्ट में जो है प्रभावित हो जाता है ना, एसिड जब इस पे पड़ता है चाहे HCl हो गया या और कई प्रकार के HNO3 हो गए और कार्बोनिक एसिड हो गया, तो ये एसिड के इफेक्ट में आएगा, तो ये कैल्शियम जो है उनसे रिएक्शन करके अलग कंपाउंड बना लेगा और CO3 मिलके अलग कंपाउंड बना लेंगे, तो इससे क्या होगा कि
वो जो चूना है वो चूना नहीं रहेगा, कुछ दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, तो उसी को हम कहते हैं कि वो प्रभावित हो रहा है। तो वेदरिंग रेजिस्टेंस, तो वेदरिंग रेजिस्टेंस कहने का मतलब यही है कि अगर आप स्टोन से बना रहे हो कुछ, ठीक है, और अगर उसमें चूना है, जैसे आपने देखा होगा कि जो ताजमहल था वो पीला पड़ने लगा था, तो क्यों पीला पड़ने लगा था, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया गैस है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये सब जो है एसिड का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। अब वही एसिड, अभी जो हमारा ताजमहल है वो संगमरमर का बना है, और संगमरमर क्या होता है, जो संगमरमर मार्बल होता है वो CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, चूने पत्थर से बना है ना। तो वो चूना पत्थर में जो कैल्शियम है वो कार्बोनिक एसिड से रिएक्शन करके दूसरा कंपाउंड बना रहा था, और उसका कलर क्या था, पीला था, इस वजह से वो प्रभावित हो रहा था। तो यानी कि वो वेदरिंग रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि जो वेदरिंग, जो मौसम है, वेदर है, जो वातावरण है, उससे क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये इसके पीछे रीजन है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो लास्ट टेस्ट है वो देखते हैं, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में लास्ट टेस्ट, सामने टेस्ट में क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। सी ज्यादा टाइम हो गया, डी CRYSTA LLISATION क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। देखो क्रिस्टल, क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कई लोग क्रिस्टल का मतलब नहीं समझ पाएंगे जो हिंदी के होंगे, मैं भी हिंदी का ही हूँ, तो क्रिस्टल का मतलब होता है अगर हिंदी में देखो तो रवा, रवा, ये खा नहीं लिखा है, रवा लिखा है। तो अब कई लोग जो है क्रिस्टलाइजेशन और रवा दोनों का मतलब नहीं समझ पाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप जो है नमक यूज करते हो, जो नमक यूज करते हो, तो जो नमक का एक एक पार्टिकल है वो क्या है, एक एक क्रिस्टल है। जो चीनी है, चीनी का जो एक एक पार्टिकल है वो क्या है, एक 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 क्रिस्टल है, समझ रहे हो। तो क्रिस्टल का मतलब जो है अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट हम जो है कैसे करते हैं, तो अगर इसका कहने का मतलब यही है कि हमारी जो कोई चट्टान है, ठीक है ना, तो अगर वो क्रिस्टल, क्रिस्टलाइजेशन उसमें होगा तो क्या होगा कि वो पार्टिकल के रूप में गिरने लगेगा, झड़ने लगेगा, समझ रहे हो, इसमें से एक एक पार्टिकल निकलने लगेंगे। तो वही हम यही टेस्ट करते हैं कि क्या वो ऐसा तो नहीं है, तो इसी को हम क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट कहते हैं। आई बात समझ में। तो देखो इसमें हम लिखते जाते हैं और समझते जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर साइज के सैंपल को 14% सांद्रता के, सांद्रता के सोडियम सल्फेट SODIUM, सोडियम SULPHATE, सोडियम सल्फेट के घोल, घोल यानी कि सोलूशन में 16 से 18 घंटे के कहाँ के लिए देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो सैंपल है 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर क्यूब, इस साइज के सैंपल को 14% कंसंट्रेशन वाले सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 इसके घोल में क्या करते हैं, सैंपल को डाल देते हैं 16 से 18 घंटे के लिए, ठीक है।
अब क्या करते हैं कि उसे बाहर निकाल के ओवन ड्राई कर लेते हैं। ओवन मतलब मैंने बताया था आपको, जो इस टाइम ओवन चल रहे हैं माइक्रोवेव ओवन, उसमें अल्ट्रा वायलेट पता है कौन सा वेव ओवन है, माइक्रोवेव ओवन होते हैं ठीक है ना। तो उसे मतलब बाहर निकाल कर ओवन ड्राइव करते हैं। तो हमने उसे बाहर निकाल करके ओवन ड्राई कर लिया ठीक है। अब क्या करते हैं, फिर से हम जो है क्या कर रहे हैं कि इस सैंपल के साइज को 14% कंसंट्रेशन वाले सोडियम सल्फेट के घोल में 16 से 18 घंटे तक हमने रख दिया है। फिर हम उसे बाहर निकाले हैं, बाहर निकाल के ओवन ड्राई कर रहे हैं और फिर से उसी कंसंट्रेशन में रख देंगे। फिर से क्या करेंगे, 16-18 घंटे बाद जो है, 16 से 18 घंटे बाद फिर से बाहर निकाल लेंगे, फिर ओवन ड्राई करेंगे, फिर रख देंगे ठीक है ना। तो यह प्रक्रिया कितनी बार करेंगे, तो रख देते हैं और इसके बाद से यह प्रक्रिया पुनः या प्रक्रिया 5 बार तक करते हैं। प्रक्रिया कम से कम 5 बार REPEAT रिपीट करते हैं। अब रिपीट मतलब तो सब कोई जानता होगा क्या होता है। फिर क्या करते हैं, रिपीट करने के बाद उसके वेट में, उसके वेट में होने वाली कमी नोट कर लेते, उसके वेट में होने वाली कमी नोट कर लेते हैं ठीक है। और इसके आधार पे, इसके आधार पर स्टोन STON स्टोर किए DURABILITY ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करते हैं ठीक है। तो ये जो है, ये इसका जो है प्रोसेस है, कैसे कैसे करते हैं ठीक है। तो इसमें से जो है आपसे जो कुछ पूछने वाला है नहीं, बस आपसे पूछेगा कि क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट जो है किसके लिए करते हैं, तो ड्यूरेबिलिटी याद करने के लिए करते हैं स्टोन की। अरे बात समझ में। तो हमने जो है इस वीडियो में क्या पढ़ा है कि इस वीडियो में हमने सामने टेस्ट जो है पढ़ लिए हैं ठीक है ना। तो इस वीडियो को जो है यहीं पे रहने देते हैं, ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा क्या है 1 घंटे का। हाँ तो अब हम क्या करेंगे, हमारा स्टोन वाला चैप्टर अब खत्म ही होने वाला है। बस एक वीडियो और 1 या 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अगर 1 घंटे की होगी तो शायद खत्म हो जाना चाहिए, और नहीं तो हाँ 1 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। तो हमारी जो वीडियो है स्टोन वाले चैप्टर की, बस उतनी ही बची हुई है। इसके बाद से हमारा जो अगला चैप्टर होगा, अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे क्या, ब्रिक्स। फिर हम आ जाएंगे ब्रिक्स पे, और ब्रिक्स पढ़ने के बाद लाइम, लाइम के बाद सीमेंट, वुड, पेंट, सिरेमिक्स, फेरस मेटल एंड ग्लास। तो ये सारा हमारा क्रम रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आपको जो है कोई दिक्कत हुई हो या कुछ ना समझ में आया हो तो आप जो है कमेंट में बेशक जो है पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ सुझाव देना है मुझे तो वो भी बता सकते हैं। और सिविल इंजीनियरिंग में आपको किसी भी सब्जेक्ट में कहीं से भी कुछ भी सवाल है तो आप जो है कमेंट करिए, या फेसबुक पेज पे जा करके
वहाँ पे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम सारे लिंक दिए हुए हैं, तो जहाँ से आप मन करे वहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, आपको मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।